लेट्स टू क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर्थ ऑफ एक्सरसाइज फाइव ए दैट इज़ अर्थमैटिक प्रोग्रेशन क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर इज फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन ए पी हमें डी निकालना है हुज फर्स्ट टर्म इज फाइव हमें ए दे रखा है फाइव ए एंड द सम ऑफ इट्स फोर्थ फर्स्ट फोर टर्म्स इज हाफ़ द सम ऑफ द नेक्स्ट फोर टर्म्स जो उसकी फर्स्ट फोर टर्म्स है वो हाफ है किसका उसकी नेक्स्ट फोर टर्म्स का तो इसका मतलब है वो क्या कह रहा है देखिए हमें एक तो कॉमन डिफरेंस निकालना था दैट मीन्स हमें डी निकालना था हमें फर्स्ट टर्म दे रखा है ए दे रखा है फाइव और वो कह रहा है जो कि सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म्स फर्स्ट फोर टर्म्स का सम t1 वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री प्लस टी फोर जो है वो है हमारा कितना हाफ ऑफ़ द सम ऑफ नेक्स्ट फोर टर्म्स दैट इज़ टी फाइव प्लस टी सिक्स प्लस टी सेवन प्लस टी एट ये कह रहा है वो तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है कि कितना आएगा ये ये तो हमें पता नहीं तो अब हम डायरेक्टली पता करते हैं देखिए टी वन हमारा होता है ए दैट इज़ फाइव टी टू होता है हमारा ए प्लस डी डायरेक्टली लिख रही हूँ एन माइनस वन कुछ नहीं कर रही हूँ तो ए हमें पता है फाइव प्लस डी हो गया अब इसी तरीके से टी थ्री क्या होता है दैट इज़ ए प्लस टू डी होता है तो दैट मीन्स फाइव प्लस टू डी इसी तरीके से टी फोर क्या हुआ ए प्लस थ्री डी हुआ दैट मीन्स फाइव प्लस थ्री डी अब ला लास्ट के फोर टी फाइव क्या होगा ए प्लस फोर डी दैट मीन्स फाइव प्लस फोर डी इसी तरीके से टी सिक्स क्या होगा फाइव प्लस डायरेक्टली लिख रही हूँ फाइव डी टी सेवन क्या होगा फाइव प्लस सिक्स डी और टी एट क्या होगा हमारा दैट इज फाइव प्लस सेवन डी होगा यही होगा अब वो कह रहा है कि इन सब का प्लस फर्स्ट फोर वैल्यूज़ का प्लस फाइव फाइव प्लस डी फाइव प्लस टू डी और फाइव प्लस थ्री डी हाफ होगा इसका ये ये दे रखा है और हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है डी की वैल्यू निकालनी तो हमने लिखा फाइव प्लस फाइव प्लस डी प्लस फाइव प्लस टू डी प्लस फाइव प्लस थ्री डी ये तीन ये टर्म फोर तक की वैल्यूजों में इक्वल है हाफ ऑफ किसके फाइव प्लस फोर डी प्लस फाइव प्लस फाइव डी प्लस फाइव प्लस सिक्स डी प्लस फाइव प्लस सेवन डी के तो अब आगे देखते हैं देखिए फाइव प्लस फाइव टेन फिफ्टीन एंड ट्वेंटी तो ट्वेंटी प्लस डी कितना हो गया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स डी इक्वल्स टू हाफ है किसके देखिए फाइव टेन फिफ्टीन एंड ट्वेंटी तो हमने लिखा ट्वेंटी प्लस फोर और फाइव नाइन नाइन और सिक्स फिफ्टीन फिफ्टीन और सेवन इज ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू डी ये आ गई अब वैल्यू अब हमने क्या किया इस टू को इधर ले गए मल्टीप्लाई में आ गया तो टू इन टू ट्वेंटी प्लस सिक्स डी इक्वल्स टू ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी टू डी ब्रैकेट ओपन कर दिए वन में मल्टीप्लाई होगी तो सेम आएगा तो ये आ गया फोर्टी प्लस टू सिक्स ट्वेल्व डी हमने ब्रैकेट्स ओपन कर दिए ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी टू डी अब d की वैल्यूज एक साथ नॉन d वैल्यूज एक साथ मतलब कांस्टेंट वैल्यूज तो देखिए ये ट्वेंटी इधर ले आई और ट्वेल्व डी इधर ले आई तो आ गया ट्वेंटी टू डी माइनस ट्वेल्व डी तो यह ट्वेंटी इक्वल्स टू टेन डी तो d की वैल्यू कितनी आ गई ट्वेंटी अपॉन टेन दैट इज़ टू इज़ द आंसर हमें कॉमन डिफरेंस ही निकालना था तो हमारा कॉमन डिफ्रेंस आ गया टू इज द आंसर